तो आइए हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है वो हमारे आत्मिक जीवन का आंकलन करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को जांचने के लिए होगा कि हम अपने आप को देखें कि हम अपने आत्मिक जीवन में कहां पर हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या फिर हम अपने आत्मिक जीवन में ठहरे हुए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस वक्त आत्मिक रीति से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लगातार हमें बढ़ते रहना है। जब हम प्रभु में आते हैं और हम विश्वास में जब आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्तर पर आके रुक जाते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति जो होती है वो क्या होती है, एक स्तर पर आके रुक जाती है। और जब हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है तब वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात होती है, क्योंकि हम जिसके हाथों से निकल के आए हैं पूरी संभावना होती है कि दोबारा से हम उसके हाथों में पड़ जाएं। हमारा इसका कारण क्या हो सकता है? जब हम विश्वास में आते हैं शुरुआत में हमारे अंदर बहुत जोश होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, हम आत्मिक उन्माद से भरे होते हैं, हम आत्मिक जोश से भरे होते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम जो है वो बह बह के निकलता है। कैसे निकलता है? हम पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय निकलता है, हम अपने थोड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय पर आकर हम अपने आप को खाली महसूस करने लगते हैं, अपने आप को ठंडा महसूस करने लगते हैं। ऐसा है कि नहीं है? कितने लोगों ने ऐसी परिस्थिति को महसूस किया है अपने जीवन में? सबकी लाइफ में ऐसा होता है। हम प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, हम एक समय पर हम उन्नति कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय पर ऐसा हो जाता है कि हम अपने जीवन में ठंडेपन को महसूस करने लग जाते हैं। हमारे अंदर वो जुनून दिखाई देना बंद हो जाता है जो शुरुआती दौर में हमारे अंदर होता है। हम जब विश्वास में होते हैं ना, प्रार्थनाओं में कितने मजबूत होते हैं, चर्च में हम समय पर आते हैं, आराधना हम समय पर करने के लिए आते हैं, होम ग्रुप में हम समय पर आते हैं, लेकिन जब ये ठंडापन हमारे जीवन में आता है, जब ये आत्मिक खालीपन जब हमारे जीवन में आता है, तब धीरे धीरे इन सब चीज़ों से दूर होने लगते और हमारे आत्मिक स्तर में हम नीचे आ रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि हम जब हम आराधना में, चर्च में, प्रार्थना में, वचन में अपना समय बिताना छोड़ देते हैं, फिर यही वो सबूत है कि हम पीछे आ रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ना कि पीछे आने की, आगे बढ़ने के लिए। अगर हम पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं, हम पौलुस की पत्रियों को अगर ध्यान से पढ़ें तो पौलुस अपनी सारी पत्रियों में एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, वो बात है कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ते जाना है, कहीं हम ठंडे ना हो जाए, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय से खत्म ना हो जाए। पौलुस हमेशा इस बात पर जोर देता है। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 4 में मैं वचन पढ़ूंगा, इसमें लिखा है, अंत में हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह में निवेदन करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही उसमें और भी अधिक बढ़ते जाओ। इसी बात को पौलुस अपनी लगभग सभी पत्रियों में इस बात को वो ऐड करता है, यानी कि ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस बात को बार बार बोलता है कि हम और भी क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। अब इसमें लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में तुमसे निवेदन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में तुमसे निवेदन, निवेदन का मतलब क्या होता है, तुमसे हम विनती करते हैं। एक जगह पे लिखा है, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, क्या करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आग्रह मतलब विनती करना, वो एक प्रकार से हाथ जोड़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि तुम उसमें बढ़ते जाओ, पीछे मत, उस पीछे ना, उसमें बढ़ते जाओ। इसमें भी ये लिखा है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ और तुम्हें समझाते हैं कि तुमने योग्य चाल चलने, क्या तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है। अब ये बताइए,
हम में से किसने, किन किन ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख योग्य चाल चलन और परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, इन बातों को हम में से किन किन ने सीखा है? सबने सीखा है कि नहीं सीखा है? हम विश्वास में आने के बावजूद बाद में हमें सिखाया जाता है, हम लगातार संडे को हम आते हैं यहाँ पर और हमें सिखाया, हमें पता है, हम परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, पता है कि नहीं है? परमेश्वर के सामने योग्य चाल चलन क्या है, किस किस को पता है? सबको पता है। परमेश्वर किन बातों से खुश होता है ये किस किस को पता है? सबको पता है, दोनों बातें पता है, योग्य चाल चलन और उसको खुश करने की शिक्षा क्या है, हम दोनों ये बातें दोनों पता है। और पौलुस कहता है कि तुम सचमुच चलते भी हो वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ। यहां पर एक बात उठती है, हम ये तो जानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने योग्य चाल चलन क्या है, हम भली बाती जानते हैं क्योंकि हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, हमने इन बातों को भी सुना और पढ़ा है। आगे जैसे बोलता है, अच्छी बात है कि तुम इसमें चलते भी हो। हमारे लिए एक सवाल है, हमने सीख तो लिया है कि योग्य चाल चलन क्या है, हमने सीख तो लिया है कि उसके सामने कौन सी बातें भली है, लेकिन क्या हम चलते भी हैं उन बातों के अनुसार? क्या हमने उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू भी किया है? हमने सीख लिया, हम मसीह में आके इन सारी बातों को सीख लेते हैं, लेकिन एक समय पर आके ये बातें सिर्फ हमारे अंदर होती हैं, हम सिर्फ सीखते हैं लेकिन इसके अनुसार हम क्या नहीं करते, हम चलना छोड़ देते हैं। यही है आत्मिक ठंडापन, यही है आत्मिक खालीपन। और जब इस परिस्थिति में हम आते हैं, शैतान पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए, क्योंकि जब उसके हाथ से अब हम निकल चुके हैं, अब हम किसके हाथ में हैं, किसके हाथ में हैं? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। यूहन्ना 10 का 28 वचन निकाले, क्या लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, कोई मेरे हाथ से उन्हें कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। हम प्रभु यीशु के हाथ में आ जाते हैं तब हमें उनके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, शैतान हमें छीन नहीं सकता। आप लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, वो हमें छीन नहीं सकता, लेकिन शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर देता है, ऐसी परिस्थिति को लेकर आ जाता है कि हम खुद उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो खुद तो निकाल नहीं सकता, छीन नहीं सकता यीशु मसीह के हाथ से, लेकिन वो खुद हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है, ऐसी चीज़ों को लेकर आता है जिनमें फंसकर, जिनमें उलझकर हम खुद परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जब हम दुनियावी चीज़ों में उलझ के, दुनियावी बातों में उलझ के उसके प्रेम से दूर होने लगते हैं, आत्मिक रीति से ठंडे होने लगते हैं, जब हमारा हृदय उसके प्रेम से खाली हो जाता है, जब उससे दूरी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, ऐसी कलीसिया के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 का 4-5 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये चेतावनी है उन सब, हम सब के लिए, अगर हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में खत्म होते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए चेतावनी है। परमेश्वर कहता है वापिस लौट के आ जाओ। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, ये कहता है अगर मन नहीं फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे दीपदान को उस जगह से हटा दूंगा। ये हमारी, जब अगर हम आत्मिक रीति से गिर गए तो हमारे लिए ये चीज़ रखी है परमेश्वर के हाथ में, उसके दंड के भागीदार हम हो सकते हैं अगर हम अपने आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़े। तो हम कैसे अपने आत्मिक जीवन को जांचें, कैसे हम कहें कि मेरा आत्मिक जीवन सही है या नहीं है? यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा था कि तुम सीख चुके हो, तुम्हें पता है कि कैसी कौन सी बातें भली हैं, हम सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आप को
उन बातों में उलझा देते जो हमारे लिए भली नहीं है। हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे जीवन की जो किन चीज़ों को और किन बातों को अपने जीवन में ज़्यादा जगह देते हैं, ये चीज़ जो है हमारे आत्मिक जो आत्मिक जीवन है उसकी गवाही देते हैं, हम कितने परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, कितने हम उन्नति कर रहे हैं, कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को जांच सकते हैं। मरकुस 12:30 वचन निकालेंगे, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया, यहां पर सारे सारे शब्द को चार बार दोहराया गया है। हालेलुया, अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया, ये आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। हम अगर अपने आत्मिक जीवन को देखें, उसका आकलन करें, तो हम सबसे पहले ये देखें कि हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के प्रति प्रेम है, क्या हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबसे सब उन्हें सब चीज़ों से बढ़कर प्रेम करें। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उन्हें सब चीज़ों से बढ़कर क्या करें, हम उनसे प्रेम करें। हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम हमेशा चर्च आते हैं, हम क्या करते हैं, दान दशमांश देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम यहाँ पर लोगों से मिलते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। कई बार ये सारी चीज़ें करते हुए भी हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता, ये संभव है कि नहीं है। हम चर्च में आते हैं और हम दशमांश देते हैं, हम किसी की हेल्प भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका आधार परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। कई बार वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए एक रिवाज के समान बन जाती हैं, हम ये सोचते हैं कि बस संडे है तो हमें चर्च जाना है। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं ये हमें देखना है। हम चर्च आते हैं क्या, हम इसलिए चर्च आते हैं कि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब चीज़ें से बढ़कर उनसे प्रेम करें। जो दुनियावी चीज़ें वो सच में हमारे लाभ की नहीं है, हमें अपने हृदय को जांचना है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, फिर चाहे हम कितने भी भले काम क्यों ना करते हों, फिर चाहे हम भले ही कितने ही अच्छे काम क्यों ना करते हों, फिर चाहे कितनी ही अच्छाई हमारे जीवन में क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है अगर परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में प्यार नहीं है तो। क्या हम सब चीज़ों से बढ़कर प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, ये हमें अपने आप से पूछना है अपने आत्मिक जीवन को देखने के लिए। अगर हम प्रभु से हम सच में बहुत प्रेम करते हैं तो हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो हमने अपने आप को एक स्तर पर रोका हुआ है, और हमें एक स्तर पर अपने आप को रोक कर नहीं रखना है। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, मत्ती 6:33 पढ़ेंगे, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके राज्य की क्या करें, उसकी राज्य की हम खोज करें, उसके राज्य उसकी उसकी उसके प्रेम की गहराई में हम जाएं, उसके कार्यों में हम अपने आप को मौजूद करें, अपने आप को लेके जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके उससे हम सब चीज़ों से बढ़कर उससे प्रेम करें, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके राज्य की खोज करें। क्या हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में रुक क्यों जाती है? क्योंकि आजकल शैतान ने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कर रखी है इस संसार में जो हमें चारों ओर से घेर के रखती है, और धीरे धीरे वो हमें, जैसे आपने सुना है एक बेल होती है जिसको अमर बेल बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं हरियाणा में अमर बेल, किसको कौन कौन जानते हैं उसके बारे में, आप सब लोग जानते हैं। आपको वो बेल बिल्कुल एक धागे जैसी होती है, येलो कलर पीले कलर की होती है, मैंने उसमें डाला नहीं, अगर मैं दिखाता आपको, वो पीले कलर की होती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती, और वो जहाँ पर भी पनपती है, अगर वो किसी पेड़ तक के ऊपर आ गई
तो वो क्या करती है, धीरे धीरे एक धागे के समान होती है, अगर इतना सा हिस्सा भी किसी पेड़ पर है उसके, तो वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ना शुरू करती है, और बढ़ते बढ़ते क्या करती है, वो पूरे पेड़ पे फैल जाती है, और उसकी जड़ नहीं होती, वो पोषण, पौधा पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, जमीन से, लेकिन उसकी जड़ नहीं है, वो पोषण कहाँ से लेती है, जिस पेड़ के ऊपर वो है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरे पेड़ को घेर लेती है, चारों ओर उसके फैल जाती है, और वो पूरा पेड़ ढक जाता है, पूरी तरह से ढक जाता है, और धीरे धीरे जो जिस पेड़ के वो ऊपर है, वो पेड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्या होता है, सूख जाता है, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाता, उसको ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि उस बेल ने उसको चारों ओर से घेर के रखा है, और जो उसका पोषण है वो बेल खुद चूसना शुरू कर देती है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो दुनिया की चीज़ें हैं हमारे जीवन के ऊपर इसी रीति से कब्जा करती हैं। अब वो चीज़ें आप इतने वो नहीं है कि आप लोग वो चीज़ें नहीं जानते, हर वो चीज़ जिसको हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देते हैं, वो चीज़ ऐसी ही है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन को चारों ओर से घेरती है, और हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से घिर जाते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों में उलझ के हम इतने इस तरह से जकड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को अपने हृदय में प्रकट कर ही नहीं पाते, हम उसके प्रेम को खो देते हैं, हम उसके राज्य की खोज करना, उसकी खोज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम चारों ओर से किन चीज़ों से जकड़े हुए हैं, संसारिक चीज़ों से। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, किसी के लिए वो चीज़ टीवी है, किसी के लिए मोबाइल है, किसी के लिए अपना रिलेशनशिप है, किसी के लिए कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप लोग समझते हैं, हर वो चीज़ जिसे अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की नहीं, हम उस चीज़ की आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे जीवन में यीशु मसीह से ज़्यादा महत्व रखती है। हमें देखना कौन सी चीज़ हमारे जीवन में, हमने किस चीज़ को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। अगर हम बाकी चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपनी हमारी ग्रोथ है उधर रुक जाएगी, और हम एक स्तर पर आके रुक जाएंगे, जैसे वो पेड़ सूख जाता है उस बेल के आने के बाद, पूरा भरने के बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह ये सारी चीज़ें आके हमें चारों ओर से घेर लेती है और हमारे आत्मिक पोषण को ख़त्म कर देती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों के कारण चले गए हैं, जिन्होंने अपने अंदर उसके आत्मिक आनंद को महसूस नहीं किया। उसके आत्मिक आनंद को महसूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, उसके आत्मिक आनंद को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, उसके साथ एक होना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, तभी हम उसके आनंद को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। लेकिन हम दुनियावी चीज़ों के द्वारा, दुनियावी बातों के द्वारा अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर के आनंद की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। या तो हम दुनियावी चीज़ों का आनंद ले, या हम परमेश्वर की चीज़ों का आनंद ले, लेकिन याद रखना, परमेश्वर का आनंद हमें अनंत काल की आशा की ओर लेके जाता है, और दुनियावी आनंद हमें अनंत काल की मृत्यु की ओर लेके जाएगा। हमें डिसाइड करना, आप किस चीज़, कौन से आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हैं। हमने दो बातें देखी, परमेश्वर क्या, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, और परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य की हम खोज करें। तो उसके प्रेम, उससे प्रेम करने के लिए और उसके राज्य की खोज करने के लिए हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, संभव है। हालेलुया, संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम उसके सामने पश्चाताप करके वापिस आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो माफ़ करने में विश्वास योग्य और भला है। अगर हमारे जीवन में आज हम अपने आप को इन बाहरी चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में जकड़ा हुआ पाते हैं, तो प्रभु से आज बोलना, प्रभु मुझे इन चीज़ों से बाहर निकाल, ताकि मैं तुझसे प्रेम कर सकूं, ताकि मैं तेरे राज्य की खोज कर सकूं। हालेलुया। क्या हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं,
परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा है पढ़ें, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कौन है उसकी आराधना करने वाले? अपने हाथों को उठाए, कुछ लोग नीचे कर रहे हुए, उनको शक है क्या? हम सब उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है, अवश्य है कि उसके आराधक, जो उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये जब आराधना शब्द हमारे कानों में पड़ता है, जब हम आराधना शब्द बाइबल में पढ़ते हैं, आप इस आराधना शब्द से क्या समझते हैं? आराधना का मतलब क्या है? आप में से कोई लोग बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या मतलब है जब हम बाइबल में आराधना शब्द पढ़ते हैं, क्या मतलब है उसका? हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, आराधना करने का मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना, ठीक है। और कोई लोग, परमेश्वर की आज्ञा मानना उसकी आराधना है, बहुत अच्छी बात, ताली बजाएं इनके लिए। आप में से और कोई लोग बता, बहनों में से किसी ने बताया नहीं? कम ऑन बहनों, बताओ। उसके गीत भजन गाना, क्या है उसकी आराधना? गीत भजन गाना। जब आराधना शब्द हम सुनते हैं तो हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाना उसकी आराधना है। हालेलुया, हम पुकारते हैं, हालेलुया चिल्लाते हैं, हम सोचते हैं ये उसकी आराधना है। और उन्होंने बताया कि उसकी आज्ञा मानना भी आराधना है। सच में उसकी आज्ञा जब हम मानते सच में, तब उसकी आराधना हम करते हैं। और जब हम यहाँ रविवार को जब हम आते हैं और हम यहाँ पर खड़े होके 5-6 गीतों को गाते हैं, और 5-6 गीतों को गा के हम अपने अंदर एक झूठी संतुष्टि को अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं। वो क्या है? हम सोचते हैं हमने आराधना कर ली। मैं ये नहीं कह रहा कि गीतों को गाना और उसकी हालेलुया बोलना, उसकी तारीफ करना आराधना नहीं है। ये उसकी आराधना का एक हिस्सा है। गीत गाना, उसकी बड़ाई करना, उसकी आराधना का एक हिस्सा है। लेकिन सच्ची आराधना क्या है? बाइबल में आराधना का मतलब कुछ और ही बताया गया है। उसकी सच्ची आराधना क्या है? आइए वचन देखते हैं, रोमियो 12 निकालेंगे हम। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। सच्ची आराधना का मतलब ये है, हम कई बार आराधना का सिर्फ एक हिस्से को पूरा करते हैं, एक भाग को पूरा करते हैं। गीतों को गाकर, हालेलुया बोलकर, उसकी तारीफ करके हम एक भाग को पूरा करते हैं। लेकिन जो संपूर्ण आराधना है, जो सच्ची आराधना है, वो ये है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। ये हमारी क्या है? आत्मिक आराधना है। परमेश्वर को हमारे शब्दों वाली आराधना ही नहीं चाहिए, उसको हमारे शरीरों के द्वारा भी अपनी आराधना वो चाहता है। ये कहता है अपने शरीर को जीवित। अब ये जब ये जीवित शब्द आता है यहाँ पे, अपने शरीरों को जीवित, अब जीवित, जब भी पौलुस ये बात करता है, क्या पौलुस किन्हीं मरे हुओं से बात कर रहा है? किन से बात कर रहा है? जीवित लोगों से बात कर रहा है। लेकिन जब जीवित लोगों से बात कर रहा है, तब ये जीवित शब्द क्यों इस्तेमाल करता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित? मरे हुए तो वैसे ही बात नहीं कर सकते। जाहिर सी बात, जब वो लेटर लिख रहा है तो वो जिंदा लोगों से बात कर रहा है, अपने शरीर को जीवित। कहीं ना कहीं हम अपने शारीरिक रीति से मरे हुए होते हैं। किस वजह से मरे हुए होते हैं? फिर से वही बात आती है, हमने अपने शरीर में, अपने जीवन में कुछ अलग चीजों को महत्व हम देके रखते हैं, और उन्हीं के कारण हम शारीरिक अवस्था में, अपने शरीर के द्वारा किए गए पापों के द्वारा, हम शारीरिक रूप से क्या होते हैं? मर जाते हैं। शरीर के द्वारा किए गए पापों के द्वारा शारीरिक रीति से हम
मर जाते हैं। इसलिए ये कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और क्या है, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आराधना, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। क्या हमने अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दिया है? हम आराधना कब करते हैं? जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। जब पूरी तरह से हम अपने आप को कहाँ समर्पित करते हैं? परमेश्वर के चरणों में जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। यानी कि अब जब समर्पण करने का मतलब ये है, अब मैं और मेरा परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कुछ होता है, मेरे जीवन में कुछ परेशानी आती है, मैं उसे भागूंगा नहीं, उसे डिगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा जीवन उसके प्रति समर्पित है। जब हम पूरी तरह से अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करते हैं तब हम इधर उधर भागना छोड़ देते हैं। क्या हमने इधर उधर भागना छोड़ दिया है? आप लोग समझ गए होंगे इधर उधर भागने का मतलब क्या है। जब हम अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। अब हमारी वो वाली गलतफहमी हम दूर कर लें जो हम कहते हैं गीतों को गाना आराधना है, वो एक हिस्सा है। आप तभी आराधना कर करते हैं सच्ची आराधना जब उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या आपने अपने आप को उसके चरणों में समर्पित किया है? अगर नहीं किया तो हम आराधना पूरी तरह से कर नहीं रहे परमेश्वर की। जब हम निरंतर पवित्रता की ओर बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम किस चीज की आराधना कर रहे हैं इस वक्त? हम जब लगातार पवित्रता की ओर, पवित्र जीवन की खोज जब हम करते हैं, यानी कि पापों से हम जब दूर भागते हैं, पवित्रता को अपनाने की इच्छा जब हमारे अंदर जागृत होती है तब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। क्या हम पवित्रता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं? अब पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपवित्र तब होते हैं जब हम व्यभिचार करते हैं। अपवित्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ जब हम व्यभिचार करते तभी हम अपवित्र होते हैं। वो तो होते हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी बातें भी होती हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, उनके द्वारा भी हम अपने जीवन को अपवित्र ठहराते हैं। अब वो हो सकता है कि वो हमारे जीवन का झूठ हो, वो हो सकता है हमारे जीवन का गुप्त पाप हो, वो हो सकता है बहुत सी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है जिनके द्वारा हमारी पवित्रता खत्म होती, भ्रष्ट होती है। जब हम निरंतर पवित्रता की ओर जाते हैं, निरंतर पवित्रता की खोज करते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। हम अपने आप से पूछें, क्या हम लगातार पवित्र जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? हमारे नौजवान भाई बहन जितने भी हैं, हम सब अपने जीवन को, अपनी आत्मिक जीवन की रक्षा करनी है। हम देखें अपने जीवन को, हम पवित्रता में जी रहे हैं या फिर हम अपने जीवन को पाप में नाश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक पवित्रता हमारे, जब हम पवित्रता की ओर नहीं बढ़ते तब तक उसकी आराधना हम नहीं कर रहे हैं। निरंतर उसके स्वरूप में ढलते रहना ही उसकी आराधना है। हालेलुया। निरंतर उसके स्वरूप में ढलते रहना ही उसकी आराधना है। पहला पत्रस 1:15-16 में वचन में लिखा है, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। निरंतर उसके स्वरूप में ढलते रहना उसकी आराधना है। क्या हम अपने समस्त आचरण में पवित्र बन रहे हैं? ये पत्रस ने कलीसिया को लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे यीशु मसीह पवित्र है वैसे तुम लोग भी पवित्र बनो। हम सोचते हैं यीशु मसीह तो परमेश्वर था, अब उसकी जैसी पवित्रता हम कैसे अपने जीवन में पा सकते हैं? परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, मैं जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो, उन्होंने बोला है तो संभव है हम पवित्र बन सकते हैं। हम एक चीज में उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, वो है निष्पाप सिद्धता। वो निष्पाप है, उनके अंदर निष्पाप सिद्धता है, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उसमें हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने बोला है कि मेरे समान पवित्र बनो तो इसका मतलब संभव है। अगर नहीं होता तो यीशु मसीह बोलते नहीं कि तुम पवित्र बनो। क्या हम पवित्र बन रहे हैं?
उसके स्वरूप में क्या हम डल रहे हैं। जब हम जेनेसिस में हम उत्पत्ति में हम देखते हैं वचन में लिखा है उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना, कितने लोगों ने पढ़ा है, उसने हमें अपने स्वरूप में यानी कि उसने अपना गुण अपनी पवित्रता हमारे जीवन में उसने डाली। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ पैर हैं, वो उसने अपने गुण उसमें हमने पहले पढ़ा ना परमेश्वर आत्मा है, उसने अपने गुण हमारे अंदर डाले जो पाप के कारण वो गुणों की निंदा इंसान के द्वारा हुई। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमें उसी तरह से स्थापित करना चाहता है जैसे उसने शुरुआत में आदम को स्थापित किया था। हालेलुया। मैंने बोला था कि जिस चीज़ को हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं हम उसी चीज़ की आराधना कर रहे हैं। तो हमें देखना है हम हमारे जीवनों की प्राथमिकताएँ क्या है, हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ तक कहते हैं जो मुझसे बढ़कर अपने घर अपने परिवार अपनी पत्नी अपनी जमीन से जो प्रेम करता है वो मेरे लायक नहीं है। तो हमें देखना है हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं जिसके कारण हमें परमेश्वर को समय देने का ही समय नहीं मिल रहा है, किन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं जिनसे निकलना हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। ये अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की प्राथमिकता नहीं है तो हम उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन की क्या नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, अगर पहला स्थान हमारे जीवन में यीशु मसीह का नहीं है तो हम उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर पहला स्थान हमारे जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम करें। हालेलुया। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है, इन बातों को हम पहले सीख भी चुके हैं, लेकिन यही है कि हमें अपने आप को याद दिलाना है, हमारे लिए अपने आप को याद दिलाना अच्छी बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम करें। रोमियो 12 का 9 और 10 पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भ्रातृभाव से एक दूसरे से प्रेम करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आपसी प्रेम हमारा चुनाव नहीं, आपसी प्रेम क्या है, आपसी प्रेम परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या हम आपस में हमारे जो लोग हैं क्या हम आपस में सबसे प्रेम करते हैं। हमें कई बार हमारे लिए अपने आप को एक विश्वासी कहना बड़ा आसान है, अपने आप को आराधक कहना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को हम अपने जीवन में देखें। अगर हमारा विश्वास हमें दूसरों से प्रेम करने परमेश्वर की आज्ञा मानने और लगातार उसके स्वरूप में बढ़ते रहने की अगुवाई नहीं करता तो हमारा विश्वास मर चुका है, हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं। हम इस बात का ध्यान रखना है क्या हम आपस में लोगों से प्रेम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस ऐसे कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाती हुई घंटी और झनझनाती हुई झांझ हूं, कुछ नहीं हूं मैं। अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं, अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलता हूं, अगर लेकिन मैं लोगों से प्रेम नहीं करता हूं, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो लिखा है मैं ठनठनाती हुई घंटी और झनझनाती हुई झांझ हूं, यानी कि कुछ नहीं हूं मैं, खाली हूं। हम में से हम अपने आप को देखना है, हम अपने आप को कई बार आत्मिक अनुवाद से भरे हुए प्रस्तुत करते हैं, हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम अद्भुत हमारे द्वारा प्रभु ने बहुतों के जीवन में काम किया है, लेकिन अपने आप को जांचें, कहीं हम सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं है। क्या हम लोगों से प्रेम करते हैं, क्या हमारे जीवनों में दूसरों के प्रति प्रेम है। हालेलुया। तो हमारे आत्मिक जीवन का आकलन करने के लिए हमने कुछ बातों को, बहुत ही सामान्य बात है, आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार सीख चुके हैं, और अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं है तो सच कह रहा हूँ हमें आत्मिक जागृति की ज़रूरत है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, आत्मिक जागृति की ज़रूरत है। और आराधना का मतलब मैंने बताया था, जब आप पूरी तरह से उसको अपने आप को समर्पित करते तब उसकी आराधना करते हैं, जब हम पवित्रता की खोज करते हैं, पवित्र जीवन जीने की ओर हम बढ़ते हैं, पवित्रता को अपने जीवन में हम लाते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं, और जब हम पूरी हम उसके स्वरूप में हम जब ढलते जाते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम करें, जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया।
तो हमारे आत्मिक जीवन में इन चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान नहीं है, अगर सब चीज़ों से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, तो हम आत्मिक रीति से ठंडे हो चुके हैं। अगर उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, तो हम आत्मिक रीति से खाली हो चुके हैं। अगर हम सच्चाई से उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, तो भी हम आत्मिक रीति से मृत्यु की ओर जा चुके हैं। आत्मिक आराधना हमने तीनों बार बता चुका है, और जब आपस में हम प्रेम नहीं करते हैं, तब भी हम आत्मिक रीति से ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि जो मसीह से प्रेम करते हैं, मसीह का प्रेम उसके द्वारा दूसरों के साथ संबंध में प्रदर्शित होता है। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, तो आपका प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम आपके द्वारा दूसरों के साथ संबंध में जरूर प्रदर्शित होगा। अगर नहीं हो रहा है, तो हम आत्मिक जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। ये चार पांच चीज़ें जो हमने देखी, इन चीज़ों को अपने जीवन में देखना, अगर ये नहीं है, तो हमें आत्मिक जागृति की ज़रूरत है।